इशू ऑफ शेयर्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 4। यहाँ पर आप देखेंगे एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित किए, जिन पर निम्न प्रकार से भुगतान होता है। 2 रुपए आवेदन पर, जिसकी देय तिथि है 1 अप्रैल 2015 को ये प्राप्त होता है। इसके बाद 2 रुपए आवंटन पर है, जो कि 1 जुलाई 2015 को प्राप्त होता है। इसके बाद 2 रुपए प्रथम मांग पर, जो कि 1 अक्टूबर 2015 को प्राप्त है। 3 रुपए द्वितीय मांग पर है, 1 दिसंबर 2015 को प्राप्त है। यहाँ पर अगर आपने देखा तो शेयर का जो दाम है वो 10 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक 2 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 4 2 6 रुपए 6 3 9 रुपए ही हुए हैं। इसका मतलब अभी इसकी एक कॉल बाकी है, जिसकी कीमत 1 रुपए होगी, अर्थात अभी ये पूरे के पूरे 10 रुपए नहीं मांगे हैं। सवाल में आगे ये कहा गया है कि एक अंशधारी है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसका नाम है आ, यानी मिस्टर ए के पास 100 शेयर हैं। इन्होंने प्रथम व द्वितीय मांग की राशि को आवंटन के साथ भुगतान कर दिया। दूसरा अंशधारी बी है, जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने द्वितीय मांग की राशि को प्रथम मांग के साथ भुगतान कर दिया, यानी सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसकी बारीकियों पर आपको ध्यान देना होगा। यदि क्वेश्चन को आपको अच्छा समझना है तो आप इसको कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ा कीजिए। यदि आप सोच रहे होंगे कि हम इस प्रश्न को या शेयर के सभी प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे और तुरंत विद्वान बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं होगा। यह किसी किसी प्रश्न में होगा, लेकिन हर प्रश्न में ये संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ें, तभी आपको इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक कंपनी ने 20,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए हैं, लेकिन 9 रुपए ही मांगे गए हैं, लेकिन 1 रुपया अभी नहीं मांगा है। तो हमारी एंट्री भी 9 रुपए तक ही होगी, 10 रुपए नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसकी वर्किंग की ओर चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इसकी वर्किंग आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमने इसकी वर्किंग ली है, और जिस प्रकार से वर्किंग हुई है, इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में लिखा गया है 20,000 शेयर है, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए और 3 रुपए, यानी ये कुल मिला के 9 रुपए का रेट होता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। अब सवाल में ये भी कहा गया है कि जो फर्स्ट कॉल का पैसा है और सेकेंड कॉल का पैसा है, ये 100 शेयर पर इन दोनों का पेमेंट सीधा अलॉटमेंट पे पहुंच जाता है। यदि हम ध्यान से देखें तो इस 100 शेयर का 2 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपए, और इस 100 का ही इस 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपए होता है। इस प्रकार से 200 रुपए यहाँ के और 300 रुपए यहाँ के दोनों मिलाकर 100 × 200 और 100 × 300 दोनों मिला के 500 रुपए होते हैं, जो कि अलॉटमेंट पर पहुँच जाते हैं। यानी जिस पेमेंट का टाइम फर्स्ट कॉल पर होना चाहिए, वह पैसा 100 × 200 रुपए अलॉटमेंट पे पहुंच जाता है। यहाँ पर 100 शेयर का 3 रुपए के रेट से 300 रुपए यह भी अलॉटमेंट पर ही पहुंच जाता है। यानी अलॉटमेंट पर 20 × 40,000 रुपए तो मिलेंगे ही, लेकिन ये 500 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे। यानी अलॉटमेंट पे 20 × 40,000 रुपए प्लस 500 रुपए, तो 40,500 रुपए टोटल बैंक में प्राप्त होंगे। ये तो बात रही मिस्टर ए की, जो कि यहाँ पर मिस्टर ए एक शेयर होल्डर हैं, ये इनकी कहानी है।
ये मिस्टर बी हैं। अब इनकी कहानी भी कुछ ऐसे ही है, इन्होंने फाइनल कॉल तो इसमें है नहीं, सेकेंड कॉल का पैसा ही फर्स्ट कॉल पे दे दिया, यानी 100 शेयर का 3 रुपए के रेट से 300 रुपए यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पर 300 रुपए फालतू मिले, यानी कि 20,000 इंटू 2 40,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन 40,000 में से 200 रुपए यहाँ चले गए हैं इनके वाले, तो यहाँ पर 39,800 रुपए मिलना है इस वक्त, लेकिन 300 रुपए इनके भी पहुँच जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ के बैंक में 40,100 रुपए प्राप्त हो जाता है। अब आपको ये देखना है कि इसको हम जर्नलाइज कैसे करेंगे, यानी जर्नल एंट्री में किस प्रकार से इसका लेखा जोखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री की ओर बढ़ेंगे। 20 दूनी 40,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन सीधा 40,000 रुपये, और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको 40,000 को सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसकी डेट 1 अप्रैल की डली हुई है, तो 1 अप्रैल ही इसकी डेट हम भी डाल देंगे। इसके बाद अगली कॉल होएगी शेयर अलॉटमेंट की, 20,000 इंटू 2 यानी कि 20 दूनी 40,000 रुपये। शेयर अलॉटमेंट पर हम जब ड्यू करेंगे पैसा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये लिखेंगे, लेकिन जब इसके बैंक का नंबर आएगा तो बैंक में हम 100 शेयर के 2 रुपए के रेट से यहाँ के 200 रुपए और 100 शेयर के 3 रुपए के रेट के यहाँ के 300 रुपए, ये दोनों पेमेंट यहाँ से निकलेंगे और सीधा अलॉटमेंट पे पहुँच जाएंगे, यानी 500 रुपए, 3 2 5 हुए, तो 5 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 500 रुपए टोटल होगा। ये 500 रुपए अलॉटमेंट पे मिल जाते हैं एडवांस के रूप में, क्योंकि कोई भी पेमेंट टाइम से अगर पहले मिलता है तो उसे हम एडवांस ही बोलते हैं। इसी प्रकार से जब हम इसकी बैंक की एंट्री करेंगे 1 जुलाई में, तो जब यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो शेयर अलॉटमेंट के पूरे 40,000 ये तो मिल ही रहे हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस के 500 रुपए और मिलेंगे, तो कुल मिला के बैंक में कॉल्स इन एडवांस को मिला के और कॉल को मिला के, अलॉटमेंट वाली जो कॉल है इसको मिला के 40,500 रुपए सीधा बैंक में आ जाएगा अलॉटमेंट के। इसके बाद हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल की, जब इसकी फर्स्ट कॉल करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा। अब यहाँ पर इसकी जो कॉलिंग रेट्स है 20,000 इंटू 2 यानी कि 20 दूनी 40,000 रुपये हम यहाँ पर ड्यू करेंगे। ड्यू में कभी पैसा कम नहीं किया जाता, जब भी कम या ज़्यादा यानी कि एडवांस और एरियर होता है वो हमेशा बैंक वाली एंट्री में ही होता है। जब हम इसकी बैंक की रिसीविंग करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा है 20 दूनी 40,000 हम मांग रहे थे, लेकिन जब हमें पैसा प्राप्त होने का नंबर आएगा तो हमें 20 दूनी 40,000 रुपये यहाँ मिलने वाले थे, लेकिन 20 दूनी 40,000 रुपये हमें क्यों नहीं मिलेंगे पूरे के पूरे, उसके पीछे का लॉजिक भी समझिए। यहाँ पर यह रकम 20 दूनी 40,000 रुपये होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 100 इंटू 2 रुपये के रेट से 200 रुपये यहाँ से यहाँ चले गए थे, तो वो 200 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब हमें 39,800 रुपये मिलने वाले हैं इस कॉल के, लेकिन इस कॉल पर मिस्टर बी दूसरे शेयर होल्डर हैं, इन्होंने जो है 100 शेयर के 3 रुपए के रेट से 300 रुपए यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर ट्रांसफ़र कर दिए, तो इसका मतलब है इनके पास अब जो कैश प्राप्त होगा बैंक में वो 40,100 होगा, जिसमें से 40,000 तो उनकी कॉल के हैं ही हैं, लेकिन इसमें जो 100 रुपए एक्स्ट्रा जुड़े हैं वे कॉल्स इन एडवांस के एडजस्टेड अमाउंट हैं, जो कि 200 रुपए यहाँ से घटे हैं और 300 रुपए जुड़े हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 100 रुपए ही होता है, जो कॉल्स इन एडवांस के रूप में हम यहाँ बैंक में लिखेंगे। तो जब बैंक में एंट्री होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल के पूरे 40,000 रुपए वे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में कॉल्स इन एडवांस के नाम से
वो 100 रुपये भी जुड़ जाएगा और इस प्रकार से 40,100 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट वाली कॉल होगी 20,000 × 3 यानी कि 60,000 रुपये। जब हम ये वाली कॉल करेंगे 60,000 की, तो हमें 60,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए के 100 शेयर के यहाँ के पैसे भी यहाँ चले गए थे, तो 100 × 300 रुपये मिस्टर ए के और मिस्टर बी के भी 100 शेयर के 3 रुपये के रेट से यहाँ चले गए थे 300 रुपये वे भी, तो 300 इनके और 300 इनके मिला के हो गए 600, जो कि कॉल्स इन एडवांस के नाम से एडजस्ट होंगे, डेबिट होंगे। और उसके बाद जो शेयर सेकंड कॉल का पैसा पूरे 60,000 थे, उसमें से 600 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, बाकी के बैंक अकाउंट के द्वारा 59,400 यानी 59,400 बैंक में प्राप्त हो जाएगा, यह रकम कंपनी के बैंक में आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपने कॉल्स इन एडवांस स्पेशली समझा है। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करने चल रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5। एक परिमित कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 1,000 समता अंशों में विभाजित है। कंपनी ने 500 अंशों का निर्गमन किया है, जिन पर 15 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम मांग पर और शेष अंतिम मांग पर दे था। कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़ करके अन्य सभी किस्तों का मांग किया हुआ है। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, सभी मांगा हुआ रुपया प्राप्त हुआ, किंतु 15 अंशों पर मांग का रुपया, मांग का मतलब होता है आवंटन के बाद यानी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल होती है, वहाँ से मांग शब्द का प्रयोग चालू होता है, तो 15 अंशों पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ तथा एक अंशधारी ने जिसके पास 25 अंश थे उसने अपनी अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। इन लेन देनों का कंपनी के जर्नल में लेखा कीजिए, आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, कंपनी 500 शेयर को ही इशू कर रही है, 15, 25 और 30 रुपये हमारी आंखों के सामने लिखा हुआ है, कुल मिला के 15, 25 और 30 70 रुपये होते हैं, लेकिन ये 100 रुपये का है, इसका मतलब है अभी 30 रुपये इनका बाकी है जो कि अभी मांगा नहीं गया है। इन्होंने ये कहा कि अंतिम मांग वही लास्ट वाली कॉल 30 रुपये की छोड़ दी गई है, बाकी की सारी कॉल की गई है। अब चलिए इसकी वर्किंग और इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 500 शेयर 15 रुपये एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे हैं और 30 रुपये फाइनल कॉल पे होंगे। ये 30 रुपये नहीं लिखा है, लेकिन जब हमें पता है ये पूरा का पूरा शेयर 100 रुपये का है, तो 15, 25, 30 ये तो हमें बताया ही गया है, इनका टोटल तो 30-70 रुपया हो ही गया है, तो जो बचेगा 30 रुपये बचेगा, क्योंकि 100 रुपये पूरा करने के लिए 30 रुपये की कमी है, तो वो फाइनल कॉल कही जाएगी, लेकिन इस कॉल को उन्होंने मांगा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया है। अब जब हमसे पूछा गया है, फर्स्ट कॉल पर ही पंगा हुआ है, फर्स्ट कॉल पर पंगा क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल पर 15 शेयर के पैसे 30 रुपये के रेट से कट हो गए, कट का मतलब नहीं मिला, लेकिन इसी कॉल पर ही 25 शेयर के पैसे यहाँ से उठ के सीधा यहीं पहुँच जाते हैं, यानी उनको मांगा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यानी कि 25 × 30 750 रुपये यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस होता है, जबकि यहीं पर 15 शेयर के 30 रुपये के रेट से 450 रुपये, 15 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 रुपये का यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हो जाता है। जब इसकी जर्नल एंट्री हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें लिखा हुआ है
15 × 50 500, तो ये 7500 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में 7500 रुपये आएंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। ध्यान रखेंगे नरेशन सबकी एक है। यदि किसी क्वेश्चन में समता शब्द का प्रयोग है, समता अंशों का, तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करना है। ये जो मैंने शेयर लिखा है, हर शेयर के पहले आपको इक्विटी शब्द का प्रयोग कर लेना है। इक्विटी यानी EQUITY, इक्विटी शब्द का प्रयोग कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर सवाल में इक्विटी शेयर शब्द का प्रयोग है, तो आप हर एंट्री से पहले जहां शेयर लिखते हैं वहां पर इक्विटी शेयर का प्रयोग करेंगे। यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर समतांश अगर सवाल में लिखा है, तो इसमें इस सवाल में लिखा है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, ताकि मैं बताऊं कि आपको इक्विटी शब्द का प्रयोग कहाँ करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, 1 और 2, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उसमें आप ध्यान देंगे तो समता अंशों का प्रयोग और इक्विटी शेयर, यानी जिसे हम इक्विटी शेयर इंग्लिश में कहते हैं, और पूर्वाधिकारी अंश जिसे हम अधिमान अंश भी कहते हैं, प्रिफरेंस शेयर, तो उनका प्रयोग किया गया है। तो समता शब्द जहाँ भी अगर आता है, तो आप यहाँ इक्विटी शब्द का मतलब इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है 7500 रुपये है, और फिर यही शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हमारी कॉल होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की। तो यहाँ पर आप लगाएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यानी शेयर से पहले आप इक्विटी लगा देंगे, क्योंकि ये सवाल समता अंश से संबंधित है। हालांकि समता अंश और साधारण अंश अलग अलग नहीं होते, दोनों का मतलब एक ही है। यदि आप शेयर एप्लीकेशन ही लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट की जो एंट्री है, इस प्रकार से देखेंगे, 500 × 25 करेंगे तो 12,500 रुपये पैसे जो है ड्यू होंगे। तो जब हम इसको ड्यू करते हैं, तो यहाँ तक कोई घपला नहीं हुआ, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बड़े साफ सुथरे तरीके से ये दोनों एंट्री हो जाती हैं, इनमें कोई घपलेबाजी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी एंट्री फर्स्ट कॉल पर पहुँचती है, 500 × 30 15,000 रुपये से, हमने यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया 15,000 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 × 30 450 रुपये और 25 × 30 750 रुपये। तो 15 × 30 450, 25 × 30 750, यहाँ का पैसा भी यहाँ पहुँच जाता है, वो बन जाता है कॉल्स इन एडवांस। और 15 शेयर के यहाँ के पैसे वे मिलते ही नहीं, इसी प्रकार के वीडियो जो नहीं मिलता वो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। सब्सक्राइब करें, कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करेंगे और कॉल्स इन एडवांस को कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की लेते रहें, फिर लेकर आएंगे एक खास और महत्वपूर्ण वीडियो। बैंक में पैसा आपको लास्ट में डालना है। जय हिंद, जय भारत। पहले वहां वहां पैसा पहुंचाइए जहां जहां पे जो हो रहा है। कॉल्स इन एरियर में 15 शेयर के 30 रुपये के रेट से 450 रुपये ये नहीं मिलेंगे, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है। अब कॉल्स इन एडवांस जब मिलता है तो क्रेडिट होता है 750 रुपये 25 शेयर के 30 रुपये के रेट से। और शेयर फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू है वो 15,000 रुपये ही है, तो 15,750 में से 450 रुपये कॉल्स इन एडवांस एरियर के कट जाएंगे। तो 15,750 में से 450 का एरियर घटाने के बाद 15,300 रुपये बैंक में प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं किस प्रकार से कि हमें पैसा प्राप्त हुआ है। इसको अगर वर्किंग का तरीका देखना चाहें कि बैंक में कितना आएगा, वेरी सिंपल, हमें फर्स्ट कॉल के 15,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें 750 रुपये फालतू मिल गए, तो 750 रुपये आप जोड़ दीजिए इसमें। लेकिन 450 रुपये हमें मिले ही नहीं, तो 450 रुपये आप घटा दीजिए, तो बैंक में कितने प्राप्त हो जाएंगे, 15,300। जो हमें नहीं मिले ये हो गए कॉल्स इन एरियर, इनको हम करते हैं डेबिट। जो हमें टाइम से पहले मिल गए उनको हम बोलते हैं एडवांस, और उनको करते हैं क्रेडिट।
इस प्रकार से आपने यहाँ पर जर्नल एंट्री समझ लिया। कंपनी की पुस्तकों में अब ध्यान से देखना ये है कि कंपनी को कितना पैसा मिला है, तो टोटल अमाउंट जो मिलेगा वह बैंक बैंक वाली एंट्री का पैसा अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें कितने रुपए मिले हैं। यदि आप ध्यान दें तो बैंक में पहली बार पैसा 7,500 यहाँ आया है, दूसरी बार यहाँ 12,500 आया, दोनों मिला के 20,000 रुपये हो गए हैं, और 15,300 यहाँ आया है, तो 35,300 रुपये टोटल बैंक में आ चुके हैं। अब चलिए इसको देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट अब की बार हमने एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ का जो है अमाउंट आपको लिख के दिखाने की कोशिश की है। पिछली मतलब जो लास्ट बैलेंस शीट थी उसमें हमने लायबिलिटी साइड का दिखाया था, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाया था मैंने, तो उसमें बच्चों ने कमेंट किया सर आपने इसमें एसेट साइड नहीं बनाया, तो आपकी बुक में भी एक दो जगह उन्होंने बैलेंस शीट बनाई है, लायबिलिटी साइड ही बना के दिखा दिया है। हालांकि उनको किताब में एसेट साइड भी बना के दिखाना चाहिए था परंतु नहीं दिखाया, तो मैंने कहा कि भाई दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी साइड ही, हालांकि एसेट साइड मैंने इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट बनाई है, इसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एसेट्स जो है, शेयर कैपिटल मुख्य हेडिंग है, इसके अंदर इसकी सब हेडिंग अथोराइज कैपिटल, अथोराइज कैपिटल को अधिकृत पूंजी या रजिस्टर्ड पूंजी कहा जाता है, जिसे हम पंजीकृत पूंजी कहते हैं। तो हमारी किताब में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है यहाँ पर एक परमित कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 1000 समता अंशों में बंटी हुई है। तो हमने यहाँ लिख दिया 1000 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच के हिसाब से 1,00,000 रुपये का अधिकृत पूंजी अथोराइज कैपिटल है। इसे इसके बाद इन्होंने लिखा कि हमने 500 शेयर इशू किया है, तो जो इशूड कैपिटल में आएगा वो 500 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच के हिसाब से 50,000 आएगा। अथोराइज कैपिटल खुलती नहीं है, ये पैक रहती है, बंद रहती है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते, कम तो लगा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। यह परमिटेड कैपिटल होती है, यानी जितनी पूंजी के लिए मैक्सिमम हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कंपनी शुरू करने के लिए परमिशन लिया है वह यही मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे अधिक पूंजी नहीं लगाई जा सकती है। इसके बाद जब हम इशूड कैपिटल करते हैं यहाँ पर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से तो 50,000, यह भी बंद रहती है। लेकिन कॉल्ड अप एंड पेड अप वह पूंजी होती जो हमें मिलती है और चुकता हो जाती है। तो यहाँ पर कंपनी ने 500 शेयर 70 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये मांगा है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर 35,000 में से 450 का एरियर हो जाता है, तो कंपनी को 34,550 रुपये अपने शेयर के मिलते हैं जो इन्होंने मांगा हुआ है, लेकिन इसमें से भी 750 का कॉल सेन एडवांस हो जाता है जो हमने अलग लिखा है। तो कुल मिला के जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 35,300 रुपये है। अब जब हम एसेट साइड में लिखेंगे तो करेंट एसेट्स मुख्य हेडिंग है, इसके अंदर कैश एट बैंक के नाम से 35,300 रुपये लिख करके इसको फिर टोटल कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 35,300 रुपये लिख कर बंद कर देंगे। अभी हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, अब बैलेंस शीट पूरी तरह से मैच हो चुकी है। तो आपने इसको पूरी तरह से देख लिया, यह बैलेंस शीट किस तरह से कम्प्लीटली बनाई गई है, आप भी इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही कम्प्लीट हो चुके हैं, तो फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। और यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह समझा है, देखा है, तो आप इसको अवश्य शेयर कीजिए। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स तमाम कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज की मिलती रहे। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो जो होगी खास आपके अपने विषय से संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।